वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, मेरे साथ कुछ कश्मीरी गांव के बच्चे हैं। ये बच्चे अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते थे और उस पर काम करना चाहते थे। आइए हम इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है और ये हमें यूट्यूब चैनल किस लिए बनाना चाह रहे थे और हमें क्या बताएंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शारिक। शाम पा रही थी, मैंने कहा बहुत स्वेट आया था, मैंने सोचा कि नाले में जाता हूँ नहा लेता हूँ। ये देखो मेरे पास बड़ी वाश है, जाके लगाऊंगा अपने ऊपर। बोतल गंदी हुई थी तो मैंने सोचा फायरी डलवा लूँ। मम्मी से फायरी डलवाई है, फिर मैं चलता हूँ नाड़े पे, फिर मैं आपको आगे आके वीडियो दिखाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। टाइम नहा लूंगा भी और पानी भी भर के ले आऊंगा और आपको दिखा दूंगा आपको वीडियो। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आशीष आगे। आशीष आगे, आपने ये बोतलें किस लिए उठाई हुई है? पानी भरने के लिए। पानी कहाँ से भरेंगे? नाड़े से। अच्छा, नाड़ा ये बहुत एक मशहूर जगह है, ठीक है, इस गांव की। तो वहां से कुदरती चश्मा निकलता है। आइए हम साथ साथ आपको लेके चलते हैं नाड़े पर भी और इन बच्चों की भी साथ साथ वीडियो दिखाते रहेंगे, बनाते भी रहेंगे और आपको भी दिखाएंगे कुदरत के हसीन मनाजिर। वो खूबसूरत चश्मा भी दिखाएंगे आपको जहाँ से वो पानी निकलता है। तो आपने भी नहानी करनी है आशीष आगे? चलें ठीक है जी, चलते हैं। अब साथ साथ आपको भी साथ लेके चलते हैं और अब अगली वीडियो हम आपको नाड़े पे पहुंचकर दिखाएंगे। ये नाड़े का रास्ता है, जो ही हम वहां पर पहुंचते हैं तो साथ ही आपको अगली वीडियो भी दिखाएंगे। ले जी, फाइनली हम पहुंच आए हैं नाड़े पर और ये है वो नाड़ा जो कुदरती दौलत से माला माल। यहां पर चश्मा निकलता है। ये चश्मा निकलने की जगह अगर कैमरा सही से दिखा पाए, यहाँ से ये चश्मा निकलता है और ये पानी भरने वाली जगह खूबसूरत। और ये देखें, इस तरह की एक नाली बनाई गई है और आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर एक गुसलखाने का बंदोबस्त भी किया गया है। यहाँ से ये पानी गिरता है और यहाँ पर आराम सुकून से बंदा नहा सकता है। और अब चूँकि बच्चे आ चुके हैं, शारिक साहब बोतलें भी साफ़ कर रहे हैं, तो अब ये नहाने भी करेंगे और इधर आपको ये अगर साथ वाली जगह भी आपको नज़र आए तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये जगह। और हाँ, ये बैठने के लिए इंतज़ार गाह कह सकते हैं आप। यहाँ पर बैठने के लिए खूबसूरत जगह बनाई गई है अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। जब कोई बंदे ऑलरेडी नहानी कर रहे हों तो यहाँ पर आप बैठ के वेट कर सकते हैं। आशीष साकी को बहुत जल्दी है, वो नहानी करना चाहते हैं, उनको मेरे घर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है ये। चलो जी, हमारे पास मजीद बंदे आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये नहाने के लिए। तो जनाब आपका नाम? इमरान मजीद। इमरान मजीद, इमरान मजीद साहब, आप यहाँ पर रोज़ नहाने के लिए आते हैं या आज वैसे आपका दिल किया और आप आ गए? रोज़ आते हैं। वैसे आपको ये जगह कैसी लगती है? बहुत अच्छी है जी। बहुत अच्छी। ये देखें जी, हमारे बहुत सारे यहाँ के माशाल्लाह गाँव के जो लोग हैं वो शाम को रुख करते हैं इसी इलाके का, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नहाते हैं। शाहरुख साहब भी आ गए। हाँ जी, कैसा लगा यहाँ पर नहाना? बहुत मजा आता है। आजकल इतनी गर्मी हो गई, आपको क्या बताऊँ, शर्ट भी गीली कर पहनता हूँ मैं, जाते जाते रस्ते में सारी सूखी होती है, इतनी गर्मी है आजकल। बंदा जब फ्रेश होता है ना, जब कमर पे पानी गिरता है बंदे को बहुत सर्दी लगती है। यहाँ का पानी वैसे बहुत ठंडा नहीं है? बहुत ठंडा है, बहुत मजे का पानी है यहाँ पर नहाने का। बहुत अल्लाह की तरफ से गर्म पानी होता है यहाँ। हाँ, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने व्यूवर्स को। तो चलो ठीक है, बाकी वीडियो आप चलते हुए बनाएंगे। इतना ज्यादा वजन उठा के आना यहाँ पर कैसा लगा? बहुत बुरा। क्यों? बहुत बुरा वजन था। गर्मी कैसी है? गर्मी क्या होता हूँ, अभी शर्ट सारी गीली करके आया था, पानी भी निकला था, आते आते स्वेट आया थोड़ा बहुत, वो भी सारी। इसीलिए कहते ना, गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी से बस बचने के लिए आप बार बार नहाएं। तो अब आपने यूट्यूब जो व्यूवर्स हैं इनके लिए मैसेज? हाँ जी, ये तो वैसे शरारती बच्चा। हाँ जी, मैं कहता हूँ मेरी वीडियो शेयर करें और जल्दी से मुझे शेयर करके सब्सक्राइब दें और मैं अपना शौक पूरा कर सकूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपका क्या शौक है? मुझे यूट्यूब पे काम करने का बहुत, यूट्यूब पे काम करने का बहुत शौक है। चलें ठीक है जी, आप इस बच्चे को जरूर सपोर्ट करें। इसका चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस बच्चे को सपोर्ट करें। इसी के साथ चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अगली किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।